ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। इस बोर्ड पर दो श्लोक लिखे गए हैं, लेकिन एक एक श्लोक एक व्यक्ति को बोलना है। श्री शुकवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानन्द गेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधि जानि जानीह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्य गायत। श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं सुना रहे हैं। इस समय वो कहते हैं एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गेहिनी। एकदा एक समय, यहां एक समय से तात्पर्य है कार्तिक का महीना, जिसे शास्त्रों में दामोदर मास भी कहा जाता है। एक समय दीपावली के दिन घर की सभी दासियां दूसरे काम में लगा दी गई, यशोदा नहीं लगाया। नियुक्तासु शब्द यह सिद्ध करता है कि स्वयं यशोदा रानी ने घर की दासियों को अन्य काम में लगा दिया, मंथन के अलावा अन्य काम, कर्मांतर। और स्वयं दधि मथने लगे। स्वयं शब्द इस बात को ध्वनित कर रहा है कि रानी यशोदा का काम दही मंथन नहीं था, वे तो रानी थी और सैकड़ों दासियां घर में रहती थी दही मथने के लिए। लेकिन एक समय माता यशोदा स्वयं दधि मथने लगी। माता यशोदा के लिए नंद गेहिनी शब्द कहा गया है, और नंद महाराज की घर की स्वामिनी है, नंद रानी है। नंद महाराज भगवान कृष्ण को इस प्राकृत जगत में लाने में मुख्य कारण है। उनका नाम नंद है, नंद का अर्थ ही होता है आनंद। भगवान कृष्ण सबसे बड़े आनंद हैं, परमानंद। ऐसे भगवान को इस प्राकृत जगत में लाने का श्रेय नंद महाराज को है। भगवान कृष्ण को इस प्राकृत जगत में ला करके अपने पुत्र रूप से नंद बाबा ने इस जगत को बहुत आनंद दिया है, सबसे बड़ा आनंद है, इसीलिए इनका नाम नंद है। तो ऐसे आनंद मूर्ति श्री नंद बाबा के घर की ये स्वामिनी थी यशोदा। और यशोदा क्यों कहते हैं इसको, इस गोपी को, क्योंकि इसी गोपी ने परम स्वतंत्र सदैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान को बंधन में डाला और एक यश दिया, जसह दा, जो जस दे उसको यशोदा कहते हैं। भगवान कृष्ण को एक बहुत बड़ा यश मिला। तो यश क्या है कि भगवान सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के
अधीन रहते हैं, अपने प्रेमी भक्तों के अधीन सदा रहते हैं। यह जस मां जशोदा ने दिया, इसीलिए इनका नाम जशोदा है। जशोदा जो जस देती है किसको? स्वयं भगवान को। स्वयं भगवान को ये जस मिला, बहुत बड़ा जस है भगवान का कि भगवान अपने भक्तों के बस में है। यह जस जशोदा ने दिया, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी यहां जशोदा शब्द कह रहे हैं। तो गृहदासियों को अन्य काम में लगा दिया, जो दही मंथन आदि करती थी उनको जशोदा ने स्वयं ही दूसरे काम में लगा दिया। दूसरा काम क्या था? ये इंद्रजाग का अवसर था। हर एक साल दीपावली के बाद दूसरे दिन इंद्रजाग होता था। बाद में तो भगवान कृष्ण ने उसे मना कर दिया कि इंद्र की पूजा नहीं होनी चाहिए, गिरिराज जी की पूजा कराया उन्होंने, जिसे अन्नकूट महोत्सव कहते हैं, दीपावली के बाद का दिन। तो स्वाभाविक ही जशोदा रानी ने दासियों को इंद्र की पूजा की सामान तैयार करने के लिए भेज दिया। दूसरे काम में चावल कूटना था, गेहूं आटा तैयार करना था और कई तरह की वस्तुएं प्रस्तुत करनी थी, बहुत बड़ी मात्रा में मिठाइयां बनानी थी, पकवान बनाना था, तो उसकी तैयारी करने के लिए उन्होंने भेज दिया। और एक कारण है, सबसे महान कारण श्री सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि मां जशोदा एक बात से बहुत चिंतित रहती थी कि इतने धनी घर का लड़का जिसके घर में 9 लाख गौवे हैं और फिर भी हमारा पुत्र कृष्ण दूसरे के घर में खाने के लिए जाता है और वो भी चुरा करके खाता है, माखन दही दूध जो भी मिले इन सब चीजों को चुरा करके खाया करता था। एक दिन की बात नहीं है, प्रतिदिन चोरी की शिकायत आ रही थी। आज हमारे घर में माखन चुरा लिया, कोई कहता था आज हमारे यहां दही ढरका दिया, दूध गिरा दिया, लड़कों को रुला करके भाग गया, इस तरह से प्रतिदिन शिकायत आ रही थी। तो स्नेहमयी जशोदा इस बात से दुखी हुई कि हमारा पुत्र इस तरह से दूसरे के घर में जा जाकर खा रहा है, चोरी कर रहा है, ठीक नहीं है, और हमारे पास आता है तो कहता है मैया रे मही माखन भावे, मुझे बहुत अच्छा लगता है माखन, हमको पकवान या मेवा ड्राई फ्रूट वगैरह अच्छा नहीं लगता है, हमको माखन अच्छा लगता है। तो और फिर भी दूसरे के घर में जाता था माखन खाने, दही खाने, दूध पीने, तो चिंतित हो रहे थे कि लगता है कि हमारे घर में जो माखन तैयार होता है वो ठीक नहीं होता है, अर्थात जो दही मथने वाली हैं, दूध को जामन देने वाली, दूध गर्म करने वाली गोपियां सब ये ठीक से नहीं कर रही हैं। इसलिए जशोदा जी ने सोचा कि मैं स्वयं ही माखन तैयार करूंगी और अपने बच्चे को खिलाऊंगी, वो माखन खाने के बाद फिर दूसरे के घर में नहीं जाएगा, अब सज्जन हो जाएगा। यही सोच करके मां जशोदा और स्वयं गोदोहन की कई गायों में एक सबसे श्रेष्ठ गाय पद्मगंधा गाय थी, जिसको
अन्य गायों का दूध पिलाया जाता था उस गाय को। आठ ऐसी गौएं थी जिनको केवल कृष्ण के लिए रखा गया था। वे सुगंधित घास चरती थी वृंदावन में, सुगंधित घास, और उनके शरीर से गंध निकलती थी, पद्म की गंध, कमल की गंध। तो ऐसे गाय का दूध स्वयं निकाला मां जशोदा ने, और उस दूध को गर्म की, और गर्म करने के बाद दही बनाई, और दही बना करके उस दूध को दीपावली के दिन मथ रही थी। स्वयं निर्ममन था, स्वयं मथ रही थी, और अन्य दासियों को जरूरी काम आ गया था इंद्र की पूजा, इसलिए उसमें लगा दिया। घर लिपना पोतना था, बहारना, और कई काम था। तो सुखदेव जी कहते हैं कि रानी जशोदा दही मथ रही थी और साथ में चकार शब्द यह बता रहा है कि साथ ही साथ, एक साथ दही भी मथ रही थी और गीत गा रही थी। क्या गा रही थी? तद बाल चरितानी च तस्याह बाल बालस चरितानी, अपने बालक के श्री कृष्ण के जो चरित्र ब्रज में प्रसिद्ध थे, और बहुत से ब्रजवासी कवियों ने तत्काल ही कृष्ण की लीला को पद्य में रच दिया था, गीत बनाए गए थे। यह गोलोक वृंदावन का स्वभाव है, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहता है तो उस बात को वो कविता में बोलता है, गाते हुए से, कथा गानम, कथा माने बातचीत। कोई भी ब्रज में कथा है तो वह गीत के रूप में होती है। तो मां जशोदा स्वयं भी भगवान कृष्ण की लीलाओं का गीत बनाती जाती है और गाती जाती है। यानि जानी है गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत, स्मरन्ति और अगायत, गा रही है, स्मरण कर रही है। इस प्रकार से भक्त किस तरह से भगवान की सेवा में रहता है यह स्वरूप बताया जा रहा है। मां जशोदा का मन कृष्ण की लीला स्मरण के सुधा धारा में डूबा हुआ है, मन लीलाओं के स्मरण में है और वचन गान में लगा हुआ है, और हाथ सेवा में, शरीर से सेवा हो रही है, मन में लीला सुधा की धारा बह रही है, और वाणी पर कीर्तन चल रहा है, उसका गान हो रहा है। इस तरह मन से, वचन से और तन से भगवान में लगना, यही है शुद्ध भक्ति सेवा। तो इस तरह से जशोदा रानी स्मरण कर रही हैं कृष्ण का, स्वाभाविक उसमें मन डूबा हुआ है, लीलाओं के स्मरण में आनंद में है, और कृष्ण के लिए ही दही मथ रही हैं और गीत गा रही हैं। जानी है गीतानी, श्री कृष्ण ब्रज में जो भी कर रहे थे बाल लीला, प्रायः सभी ब्रजवासी उसी को ही गाते रहते थे। इतना आकर्षण है भगवत लीला में, इसी को गाते रहते सब लोग। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जानी जानी है गीतानी, जो जो लीलाएं, जैसे पुतना उद्धार, सकट भंजन, तृणव्रत, जो लीलाएं हो चुकी हैं उसी को गाते रहते सब लोग।
तो जसोदा भी उसी को गा रही है, तद बाल चरिता नीचे हो। कर्म करने का यह आदर्श है, यदि किसी व्यक्ति को कर्म करना ही है तो वो भगवान की सेवा होनी चाहिए और साथ साथ कृष्ण की लीलाओं का गान, या और कुछ मालूम नहीं है तो महामंत्र का जप गान। कोई कर्म करते समय भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, तब वह कर्म सफल होता है। इस तरह से मां यशोदा गा रही। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई बात सदा याद रखना है तो उसे पद्य में ढाल लेना चाहिए, गीत बना लेना चाहिए, हमेशा गाते रहने से वो स्मरण बना रहेगा। तो कृष्ण की लीलाओं को याद रखने के लिए उसे गीत रूप में आबद्ध किया है बहुत से कवियों ने, ब्रजभाषा के कवि या संस्कृत के कवि बहुत से पद्य बनाए हैं। तो उसी पद्य को भगवान कृष्ण के लीलात्मक गान को गा रही है, कोई अलग से नहीं। दधि निर्मंथने काले, दही मंथन के समय ही गा रही। और दही मथते समय क्यों गा रही हैं? क्योंकि दही मथते समय उनको विशेष रूप से स्मरण हो रहा है, स्मरन्ति और तानी अगायतः, उन लीलाओं को गा रही। प्रायः देखा जाता है किसी व्यक्ति को, अब तो देखने में नहीं आता, पहले देखा गया, किसी काम में जब रस आने लगता है तो व्यक्ति गीत गाने लगता है। गांव में आटा के चक्की चलाते समय भी स्त्रियां गाती हैं, ढेंकी चलाते समय गाती हैं, क्योंकि वो काम सुखद होता था। अब जैसे जैसे आदमी आराम में होता जा रहा है, कुटना नहीं पिसना नहीं, वैसे वैसे और टेंशन में और दुख में पड़ता जा रहा है। पिसा हुआ खाने को मिलता है, चावल कूटा हुआ मिल जाता है, कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, तो स्त्रियां और अधिक लेजी होती जा रही हैं, उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जा रहा है। घर का काम अपने हाथ से करना चाहिए और साथ में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है, आधुनिक सभ्यता ने सारी स्थिति बिगाड़ दिया है। तो मां यशोदा ब्रज की रानी होकर के भी अपने बच्चे के लिए स्वयं दधि मथ रही है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगले श्लोक में, ताम स्तन्य काम आसाध्य मथनंतीम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीति मा वाहन। तो भगवान कृष्ण उस समय सोए थे, वह भोर का समय था, लगभग मंगल आरती का समय, तो अपने मां के मधुर गीत को सुन करके और दही मंथन की आवाज को सुन करके भगवान कृष्ण जग गए। तामस्तन्य काम, भगवान कृष्ण को स्तन्य कामना हो गई। स्तन्य का अर्थ होता है स्तन में उत्पन्न दूध, दूध पीने की लालसा हो गई, वे जग गए।
जग करके बेड पर अपने हाथ को इधर उधर किए देखे कि मां नहीं है, मां दूसरे घर में जा करके दही मथ रही थी। तो मां की आवाज वे पहचानते थे, देखे कि यहां नहीं है, दही मथ रही है, तब उठे बेड से धीरे धीरे चले। आंखें मलते हुए और मां देख नहीं रही है, मां दही मथने में लगी है। तो छोटे बच्चे कृष्ण ऊं करते हुए चले गए, माता ने देख लिया तो संकेत किया, नेक रुक जा रुक जा, नेक माखन निकाल लेने दे। उन्हीं के लिए माखन निकाला जा रहा था, कृष्ण के लिए। तो मां यशोदा ने कहा थोड़ा रुक जाओ, लेकिन कृष्ण रुके नहीं, वो ये करने लगे मैं दूध पीऊंगा। और माता मना कर रही थी कि अभी दूध बाद में पी लेना, लेकिन कृष्ण गए मां यशोदा के कमर को दोनों हाथ से पकड़े। जब अपने हाथ से माता यशोदा की कमर पकड़े तो उसमें प्रेम की बाढ़ आ गई। उसने धीरे धीरे स्पीड रोका, मंथन दंड का, और कृष्ण मंथन दंड पकड़ लिए दोनों हाथ से पहले खड़े होकर के। तब माता यशोदा का ध्यान पूरा पूरा कृष्ण की तरफ हो गया। वो चल नहीं रहा था, जब ब्रेक लग गया पूरा मंथन दंड में, तो नेति घुमा रही थी यशोदा, लेकिन वो चल नहीं रहा था, जाम हो गया। तब यशोदा जी ने ध्यान दिया, देखा कि क्या कर रहा है, तो बहुत प्रसन्न हुई कि हमारे बच्चे का बल बढ़ रहा है, इसके हाथ में इतना बल आ गया, ये मथानी को जाम कर दिया, तो बहुत प्रसन्न हुई। अब देखने लगी कि अब क्या कर रहा है, तो फिर जब रोक दिया, माता ने मथना रोक दिया, अब चुपचाप खड़ी हो गई। तब श्री कृष्ण दोनों हाथों से कमर पकड़े और उसके घुटने पर एक पैर रखे, यशोदा के घुटने पर पैर रख करके और गोद में चढ़ गए। गोद में चढ़ करके स्वयं ही मां के कंचुकी को हटा करके और स्तन पीने लगे। कितना सुंदर नाम है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ताम अस्तन्य काम, अस्तन्य काम। भगवान वास्तव में अकाम हैं और सदा के लिए उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, पूर्ण काम हैं, लेकिन ब्रज में भगवान अस्तन्य काम हुए। मां यशोदा के स्तनों का दूध पीने के लिए उनको कामना हो गई। जो गोद में चढ़ करके पीने लगे और माता यशोदा को रोक दिए। अब वो मंथन दंड चला नहीं रही थी मथाने, जब पीने लगे और मां यशोदा के स्तनों से दूध अपने आप चुचवा रहा था स्नेह के कारण, तो वे दूध पिलाने लगे और कृष्ण का सुंदर मुस्काता हुआ मुख देखने लगे। पिला रहे थे और कृष्ण का मुख देख रहे थे,
कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, कृष्ण बहुत आनंद में थे अपनी सफलता पर कि मैं आया, अब देखिए मेरी सफलता कि मैं मां को रोक दिया और गोद में चढ़ गया, ये बहुत बड़ी सफलता है ना बच्चे की। मां को काम से रोक दिया तो दूध पिलाने लगे तो श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। तमंक मारूढ़ उपाय तस्तनम स्नेहस्मृतम सस्मित निक्षति मुखम, और मुख को देखने लगे स अस्मितम मुखम, स्मित के साथ मुख था, मुस्कुरा रहे थे, वे हंस रहे थे कि बहुत खुश थे, बहुत खुश होकर के मां के स्तनों का दूध पीने लगे। और जशोदा जी इच्छति देख रही थी, कृष्ण के मुख को देख रही थी। देख क्यों रही थी, इसका यह भाव है कि जब कृष्ण अपनी नजर से हमको देखेगा तो बड़ा खुश होगा। कि मां प्रेम से पिला रही है, ऐसा नहीं था कि भार से या किसी दुख से पिला रही हो। कृष्ण रोक दिए दधि मंथन का काम, लेकिन उसे जशोदा रंज नहीं हुई, वो खुश थी। और कृष्ण तो खुश थे ही, वो अपने अपने उपाय से अपनी बुद्धि से मां के स्तनों के पास पहुंच गए और पीने लगे तो उनको बड़ी खुशी हो रही थी। भगवान एक प्रकार से साधन की प्रेरणा दे रहे हैं, किसी भी भक्त को या किसी भी व्यक्ति को तभी तक कर्म का परिश्रम करने की जरूरत है जब तक मैं मिल नहीं गया हूं। तो कर्म को रोक दिया भगवान ने, देखा मां अब मेहनत मत करो, अब तुम्हारी साधना का इतना भारी भार मैं सहन नहीं कर सकता, तो रोक दिया और दूध पीने लगे। मां के स्तनों में वात्सल्य का रस है, दूध है, वो अप्राकृत का जगत का दूध, वो कभी कम नहीं होने वाला है। और भगवान कृष्ण प्रेम के भूखे हैं, उनकी प्यास और भूख कभी जा नहीं सकती है, तो भगवान पीने लगे और माता जशोदा के स्तनों में वह प्रेम का दूध उमड़ने लगा, वो कम नहीं हो रहा था और भगवान की भूख जा नहीं रही थी, तो बहुत पीने लगे और माँ जशोदा का दूध चूह ही रहा था, वो पिला रही थी, पिलाने वाले को तृप्ति नहीं हो रही थी और पीने वाले को भी तृप्ति नहीं हो रही थी। एक प्रेम के भूखे भगवान और दूसरा प्रेम का दूध है, वो खत्म होना जानता नहीं था। तो इस प्रकार दोनों में होड़ लगी थी, मां जशोदा के स्नेह में और कृष्ण के प्रेम में होड़ लगी थी। भगवान कितना भी पी रहे थे तृप्ति नहीं हो रही थी और स्तन का दूध खत्म नहीं हो रहा था। तमंक मारूढ़ हम उपाय तस्तनम स्नेहस्तम सस्मित क्षति मुखम अतृप्त मुत्सिज जवेन साज जऊ उचित माने पैसी प्रधिष्ठते। भगवान पी रहे थे दूध, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, वो जो अतृप्त ही रह गए, तो ऐसे अतृप्त भगवान को हटा करके मां जशोदा जमीन पर रख दी। अतृप्तम उत्सृज्य, अतृप्त भगवान को उत्सृज्य छोड़कर वो उफान युक्त दूध को उतारने के लिए चली गई।
सुखदेव जी कहते हैं कि जब मां दूध पिला रही थी, कृष्ण पी रहे थे, तो पद्मगंधा गाय का दूध जो औंटा जा रहा था उसमें उफान आ गया। क्यों आ गया इस पर हरिश्री जी कहते हैं कि वह गोलोक वृंदावन का अप्राकृत जगत का दूध है, वहां प्रत्येक वस्तु चिन्मय होती है, चेतन होती है। तो दूध ने सोचा कि भगवान दूध पीते जा रहे हैं, माता यशोदा का दूध कम नहीं होगा, तो इनका पेट भर जाएगा, पेट भर जाएगा तो मुझको नहीं पिएंगे, मेरा जीवन बेकार होगा, इतना मैं मरमर करके तपस्या कर रहा हूं, आग में तप करके तपस्या कर रहा हूं, तो कृष्ण हमको नहीं पिएंगे, ये मेरा जीवन बेकार होगा, इसलिए मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, मैं आग में कूद पड़ू। इसलिए उस दूध में उफान आ गया, उसने सोचा कि मैं मां के सामने ही आग में कूद पड़ू। उफान आया, दूध में उफान आने पर तो आग में कूदता ही है, तब तक माता की दृष्टि पड़ गई उस पर, कृष्ण को दूध पिला रही थी, कृष्ण का मुख देख रही थी, लेकिन इस पर ध्यान था कि दूध भी औंटा जा रहा है, वो कृष्ण के लिए ही, तो उसमें उफान आ गया। तो इस पर मां यशोदा ने विचार भी नहीं किया कृष्ण का पेट भरा है कि नहीं। अतृप्तम उत्सृज्य, भगवान को अतृप्त ही छोड़ करके, राह करके और दूध को शांत करने के लिए, उतारने के लिए चली गई। वास्तव में भगवान भक्तों के पुरुषार्थ नहीं है, भगवान की सेवा पुरुषार्थ है, वे भगवान की सेवा पर ही जोर देते हैं, भगवान को छोड़कर भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। यशोदा माता ने सोचा कि मेरे स्तन का दूध तो मेरे पास है ही, ये तो कभी भी पी लगा बाद में, लेकिन ये पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा है, ये बेकार हो जाएगा, ये जल जाएगा, तो कृष्ण बाद में भूखा रह जाएगा, उसको दूध नहीं मिलेगा। इसीलिए मां यशोदा ने सोचा कि उस दूध को बचा लूं, अपना दूध तो अपने पास है ही, इसीलिए कृष्ण को, भगवान को त्याग करके, छोड़ करके वो दूध बचाने के लिए चले गए। तो यही उखल बंधन का मूल कारण हो गया। और मां यशोदा उधर गई दूध उतारने के लिए, और इधर संजात कोपा, और कृष्ण को नीचे रख दिया, दूध पीना उनका बंद हो गया। तो इसी पर भगवान कृष्ण को क्रोध हो गया, सम्यक क्रोध, बहुत क्रोध हुआ। संजात कोप स्फुरितारुणा धर्म, यहां तक क्रोध के कारण उनके ओठ फड़कने लगे। बाप रे बाप, मेरा इतना अपमान, मैं दूध पी रहा हूं और मुझको फेंक करके चली गई। बहुत क्रोध हुआ, क्रोध में सोचने लगे, छोटा बच्चा सोच रहा है कि अब मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा, मेरा कोई आदर नहीं है। एक टीकाकार तो लिखते हैं कि मैं वैकुंठ छोड़ करके इसका बेटा बना और मुझको ये फेंक करके जा रही है दूध बचाने, तो अब मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो क्रोध के कारण अधर फड़क रहा था, तो अपने छोटे छोटे दांतों से ओठ को दबा लिए, होठ को दबा लिए। इसका भाव यह है कि यह तो स्वाभाविक है, होठ को दांतों से दबा लिए, संदेश दद भी स्फुरिता।
ओठ स्फुरित हो रहा था, कांप रहा था क्रोध से, इसलिए उन्होंने अपने दांतों से दद भी उसको दबाया। यह भी क्रोध में होता है। और दधिमंथ भाजदम, वह जो मटका था जिसमें दही मंथा जा रहा था, उन्होंने सबसे पहले उसी पर अपना क्रोध उतारा। देखने लगे इसको कैसे फोड़ू, तो दिशदस मना एक छोटा सा पत्थर का खंड मिल गया, और लोहा मसाला पीसने वाला वही छोटा सा था, उसको लिए और मारे। कुछ टीकाकार कहते हैं कई टुकड़ा कर दिए, लेकिन कुछ तो कहते नहीं एक जगह छेद किए, चाहे जो भी हो फोड़ दिया उन्होंने क्रोध के कारण। और कितना अपमान हुआ, बस दूध पीना उनका बंद कर दिया गया, स्तन से मुख हटा दिया, मां यशोदा ने उनको जमीन पर रख दिया, इससे क्रोध हो गया। यह है भगवान का अपने भक्त के प्रति पूर्ण विश्वास। जहां इस प्रकार का प्रेम होता है वहीं इस ऐसा देखा जाता है। छोटा बच्चा अपने माता पर क्रोध करके अब माता को दंड देना चाहता है। दंड क्या, कि मटका फोड़ देना है। मटका फोड़ दिए और आंखों में मिथ्या आंसू भर लिए। मिथ्या आंसू का मतलब है कि दुख नहीं था, लेकिन फिर भी अब दिखा रहे हैं कि मैं कितना विपद में हूं, मैं भूखे मर रहा हूं इस घर में, और हमारे लिए कोई भोजन नहीं है, हमारे लिए माता के दूध पर भी हक नहीं रहा। अपने को बिल्कुल हीन समझकर रोने लगे। ये है दम्भ। दुख नहीं है फिर भी दुख प्रकट करना, दम्भ। भगवान में सबसे पहले तो काम आया, स्तन ने कामा, स्तन पीने की कामना हुई, और उसमें बाधा पड़ी तो क्रोध है। कामत संजायते, काम, काम के बाद क्रोध, क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध का फल हुआ कि उन्होंने मटका फोड़ दिया, और क्रोध के बाद दंभ की बारी आई, आंखों में आंसू भर लिए, मिथ्या आंसू, मृषाश्रु। कोई दुख नहीं है लेकिन आंसू भर लिए, बनावटी आंसू, यह दिखाने के लिए कि मैं बहुत दुख में हूं, मुझे खाने को भी नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, जबकि उनको पीने के लिए ही उस दूध को बचाने और चले गए। लेकिन अब तो अपराध हो गया, तो तुरंत सोचने लगे, मटका फोड़ दिया और दही मट्ठा सब फैल गया, अब यहां से भागना चाहिए, नहीं तो मां यशोदा मरम्मत करेगी। तो वहां से वे भागने की सोचे, वहां से दूसरे घर में चले गए, बाहर आंगन में। और वहां से भी फिर दूसरे घर के बरामदे में चले गए, वहां एक उखल को उल्टा करके उस पर चढ़ गए, और चढ़ करके छीके पर रखा हुआ एक मटका उतारे, माखन से भरा हुआ,
उसको ले करके बैठ गए उखल पर और कुछ खा रहे थे और कुछ क्रोध में छीट रहे थे, फेंक रहे थे, बानरों को ले दे रहे थे। पूरा मतलब घर का सामान बर्बाद कर रहे हैं, माखन निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं बानरों को, और वो भी जुट गए हैं। एक भक्त कहते हैं कि बहुत ऋण हो गया था बानरों का भगवान राम पर, वे फ्री में लड़ाए थे, तो अब उसको पूरा कर रहे हैं, खाओ जितना खाना। जब बानर सब खाने लगे और वो क्या जानते हैं कि ये क्रोध में दे रहे हैं, बानर तो यही जान रहे थे कि कोई फीस्ट चल रहा है। वो खाने लगे और बीच बीच में ये भी खुद खाते थे, और ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत भूखा हूं, भूख से मर रहा हूं, और मेरी माँ ऐसी कठोर है कि हमको भोजन करते समय रह करके चली गई। तो माँ जशोदा दूध को उतार करके आई, तो देखी कि दूध बिल्कुल पक गया है, ठीक हो गया है, तो दूध को उतार करके फिर आई उस घर में जिस घर में दही मथा जा रहा था। तो वहां देखते हैं कि मटका फूटा हुआ है और दही बिखर गया है। दही जो मठा बन गया था वो बिखर गया है, और उसी पर से कृष्ण कहीं गया है, छोटे छोटे पैर से छप छप करते हुए वो दही के बाढ़ को लांग नहीं पाए थे, दही के ऊपर ही पैर रह करके गए थे। यशोदा जी ने देखा मटका फूटा हुआ है, और ये भी उन्होंने देखा कि कृष्ण यहां नहीं है, तो यह समझने में देर नहीं लगी यशोदा को कि ये किसका काम है, ये कृष्ण का काम है। अगर कृष्ण वहीं रहते तो शायद वे मान लेती कि ये नहीं फोड़ा है, लेकिन नहीं थे इसीलिए समझ गई ये कृष्ण का काम है, कृष्ण ने मटका फोड़ा है। अब यह विचार करते हैं माँ यशोदा को हंसी आने लगी, कोई दुख नहीं हुआ, हंसी आने लगी। अब उन्होंने देखा कि अब उसको देखना चाहिए कहाँ है, तो उस चरण चिन्ह से माँ यशोदा धीरे धीरे दूसरे घर में आंगन में गई, तो एक छड़ी ले ली हाथ में, बांस की छड़ी, धमकाने के लिए। कभी मारी नहीं थी कृष्ण को और न कभी मारना चाहती थी, लेकिन धमकी देने के लिए, डराने के लिए कि अब तो ये बहुत बिगड़ रहा है, आज मटका फोड़ दिया, कल आग लगाएगा, क्या करेगा, बहुत बदमाश है। इसीलिए कृष्ण को धमकाने के लिए छड़ी ले ली और अपने पायजेब को बांध ली जिससे आवाज न हो, और धीरे धीरे वो कृष्ण को खोजने लगी। तो देखी कि कृष्ण एक उखल के ऊपर खड़े हैं, तो धीरे धीरे यशोदा जी अपने पैरों को दबाते हुए धीरे धीरे गई, और कृष्ण उसी समय देख लिए कि मेरी माँ आ रही है। तो पहले से ही संकेत थे कि वो तो जरूर आएगी। चौर्य विसंकित क्षण, उस समय भगवान कृष्ण का नेत्र कैसा है, चौर्य विसंकित, चोरी तो किए ही थे, माखन फिर छीट रहे थे, फेंक रहे थे और मटका फोड़ दिए थे, यह अपराध किए थे, तो चोर की तरफ देख रहे हैं इधर उधर,
जिधर से मां के आने की संभावना थी उधर देख रहे हैं और आंखें ऐसी हैं चोर जैसी आंखें, तो चोर शिरोमणि हैं ही, चोर सदा संकित रहता है ना, उस तरह से संकित नेत्र है। वे मां जो सदा को देख लिए और ये देखे कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तब तो वे उखल से कूद पड़े और भागे। मां यशोदा कृष्ण को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ी। कृष्ण तो बहुत फुर्तीले हैं, मां यशोदा का शरीर स्थूल था, भारी था, वे उतना तेज नहीं दौड़ सकती थी। कृष्ण तेजी से दौड़कर भागने लगे, इस घर से उस घर में, अपने ही घर में नंद भवन में भागे, इसके बाद गली में निकल करके भागे दूसरे के घर में, वहां भी यशोदा गई, फिर गली में भागते गए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जिन प्रभु को योगियों का विशुद्ध मन भी नहीं पकड़ सकता है, मन से भी चिंतन नहीं कर पाते हैं, जिनका मन तपस्या से प्रेरित है, तपस्या के द्वारा एकाग्र किया गया है, ऐसे योगियों का, भक्तों का मन जिन कृष्ण का चिंतन तक नहीं कर पाता है, ऐसे भगवान कृष्ण के पीछे यशोदा उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही है। और दौड़ते दौड़ते अंत में पकड़ ली तो कृष्ण और जोर से रोने लगे, घिघियाने लगे। उनको भय था कि मां मुझे पीटेगी, वे रो रहे थे। तो यशोदा जी ने सोचा कि शायद इसको डर है कि मैं पीटूंगी, ये छड़ी देख करके डर रहा है, इसलिए छड़ी को फेंक दी, हाथ से छड़ी रख दी। लेकिन फिर भी कृष्ण का रोना रुका नहीं। यशोदा जी ने कहा कि अब तुमको बांधूंगी, अरे नटखट, मंथनी स्फोटक, बानर बंधु, ये सब कह तूने मटकी फोड़ा है, चोर, अब मैं तुमको बांधूंगी और तुमको ऐसे बांधूंगी कि किसी भी मित्र के साथ खेल नहीं पाओगे, कहीं जा नहीं पाओगे और कुछ खाने को नहीं दूंगी। जो बांधने के लिए रस्सी उठाई तो भगवान कृष्ण को और लड़ाई आने लगी, बहुत जोर जोर से रोने लगे, आंखें मलने लगे। जो दाहिना हाथ तो पकड़ लिया था मां यशोदा ने, बाएं हाथ से मल रहे थे अपने आंखों को, बांधना चाहती थी यशोदा, वो भी अक्षय स्नेह के कारण। मां यशोदा ने सोचा अभी ये भागा है, हैरान हुआ है, अगर इसको फिर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो शायद ये वन में भाग जाएगा, खाने पीने में देरी करेगा, फिर एक नई समस्या हो जाएगी। इसलिए मैं सोचा कि तब तक बांध करके इसको रखूं और बांध करके माखन निकाल लूं, माखन भी तैयार हो जाएगा और दूध तो पक ही गया है, बाद में इसको मना लूंगी, लेकिन तब तक बांध करके रखूं, कहीं भाग ना जाए, इसलिए बांधने का प्रयास करने लगी।
बांधने में बड़ी लीला हुई, भगवान बंध नहीं रहे थे, फिर भी जसोदा बांधना चाहती थी, बहुत परिश्रम की। अंत में भगवान बंध गए, इस लीला को बाद में कहेंगे। हरे कृष्ण।